बुराई से हर एक बच्चा यहाँ का दूर रहता है। यहाँ दामन पे कोई दाम कुछ कर भी नहीं सकता, यहाँ तो सबके चेहरे पर खुदा का दूर रहता है। वो मेहमान आए रसूल जो अपना घरवार छोड़कर आपके महबूब इदारा दार रसिया में आए, अराकीन कमेटी की तवज्जोहात रही, आपकी कोशिशें रही, असाध्य के आपकी शफकतें, वालदैन की दुआएं, अल्लाह रसूल का फजल करम, बुजुर्गों की इनायतें, आज ये हाफिज कुरान बन रहे हैं, ताज़े ज़रिए रखा जा रहा है। मैं इंतहाई मोहतरम के साथ खुलफाए हुज़ूर ताजुश शरिया हज़रत अल्लामा डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब खुदा मैनेजर हज़रत अल्लामा मुस्तफ़ा हुसैन साहब खुदा बदीगर उलमाए सुन्नत से मैं गुजारिश करूँगा, इस साल दार रज़िया से फारिग होने वाले दो हुफ़ाज़े किराम के सरों पर माशाल्लाह दस्तार हिफ्ज़ रखें। पहले हाफिज कुरान का नाम है मोहम्मद अहमद रज़ा, जो जनाब महमूद साहब के साथ जाते हैं, इनका ताल्लुक सूबह बिहार से है, ये बिहार के रहने वाले हैं और आपके दारुल रज़िया से आज हाफिज कुरान बनकर के माशाल्लाह फारिग हो रहे हैं। दूसरे हाफिज कुरान है हाफिज मोहम्मद सुहैल, ये हमारे बहुत अजीज हैं और माशाल्लाह मस्जिद व मदरसे की तामीर और तरक्की में हमारे हसीन भाई जो गली नंबर 15 मुस्तफाबाद में रहते हैं, बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और इनका बहुत ही कम सुखन बच्चा है सुहैल, वो आज हाफिज तो ये दोनों हाफिज कुरान आज पढ़ रहे हैं मोहम्मद अहमद रजा मोहम्मद सुहैल, मैं महमूद साहब अगर मौजूद हूँ उन्हें और मोहम्मद हसीन भाई तो सामने ही बैठे हैं, मुबारकबाद पेश करता हूँ, तुआ तेरे पड़ोसी मुकद्दर पे नाज़ कर बच्चा तुम्हारा हाफिज कुरान बन गया। जाहिर बात है इनाम और इकराम सबसे बड़ा इनाम तो यही है कि आज ये हाफिज कुरान बने हैं, वालदैन का नाम रोशन कर रहे हैं और इन्हें जो इनामात दीगर इनामात पेश किए जाएंगे उनमें एक इनाम ये है कि जनाब तकी अहमद साहब ये किताबों का सेट, जाहिर बात है मदरसे के तलबा के लिए इससे बेहतर सरमाया क्या हो सकता है, इस्लामी अखलाक व आदाब बहुत ही बेहतरीन ये किताब मसाइल के हवाले से, तो ये दोनों बच्चों को इस्लामी अखलाक व आदाब जनाब तकी अहमद साहब की जानिब से पेश किया जा रहा है और एक एक कंजुल ईमान भी तकी अहमद साहब और साथ ही साथ जो बच्चे दर्जे हिंद में फर्स्ट हुए नाजरे में जिन्होंने अच्छी खिदमत और अच्छे नतज इम्तहान में माशाल्लाह उन्होंने लाए उन्हें भी मदरसे की जानिब से इनाम दिए जा रहे हैं, जिनमें पहला इनाम मोहम्मद आरिफ इब्न मोहम्मद सलीम को दिया जा रहा है। मोहम्मद आरिफ कहाँ है, आगे हो तो आ जाए माशाल्लाह। सदर मोहतरम से मैं गुजारिश करूंगा हाफिज मोहम्मद इस्लाम साहब अरसाए दराज से माशाल्लाह इस मदरसे के, और ऐसा क्यों ना हो पहले से ही है ये शरफ हासिल चापा हुजूर से वैसे भी ये चीज मिली, बात दूर संभाली इन्होंने मदारो रसिया की और शरीके सफर रहे हाफिज इरशाद अहमद साहब, हाफिज तौफीक अहमद साहब, हाफिज अब्दुल कय्यूम साहब और बहुत सारे ऐसे नाम जिनसे मैं वाकिफ नहीं हूँ, बुजुर्गों की दुआएं रही, हाफिज इस्लाम साहब की सदारत में मदरसा काबिल तरक्की से अमकिनार हो रहा है। दूसरे तालिब इल्म जिसको इनाम दिया जा रहा है वो अब्दुल सुभान है, जो मोहम्मद अरमाक साहब के साथ जादे हैं अब्दुल सुभान, इन्हें भी कानून शरीयत का सेट पेश किया जा रहा है। मोहम्मद कैफ इब्न मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आरिश इब्न कौसर अली, जैनब परवीन बिन ताहिर हुसैन और शादिया बिन मोहम्मद सरवर, मुस्कान बिन मोहम्मद इरशाद, ये तीन कनीजारे फातिमा हैं जैनब परवीन शादिया और मुस्कान, इन्हें भी खातून जन्नत सुन्नी जन्नती जेवर खवातीन के लिए सुन्नी बहती जेवर का सेट पेश किया जा रहा है। आप अल्लाह फारिग होने वाले बच्चे और इनामात जो पा रहे हैं तमाम तलबाए दारुल रसिया के लिए जरा मेहमान आले रसूल के लिए इस्तकबालिया नारा गाइए, जी तकी साहब का मैंने पहले नाम लिया माशाल्लाह, तकी साहब अब्दुल अजीज साहब के जो साहबजादे हैं मोहम्मद तकी साहब, उनकी जानिब से ये तमाम इनामात इन बच्चों को दिया गया, मौला तबारक व तआला जज़ाए खैर अता फरमाए।
तू आए तू ऐतिर की तू जा तेरे जाने का वक्त है अब आप